नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए, एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछता है, ख़ासकर हम लोग को जो बीपीएससी एग्ज़ाम देना है 70वीं का, तो उसमें ये क्वेश्चन एकाओ बार बार मैंने पूछ ही देता है कि भारत में विश्व धरोहर स्थल है और कहाँ कहाँ है, वो सब के बारे में हम लोग आज जान लेते हैं। इकट्ठा सब जितने भी भारत में विश्व धरोहर स्थल हैं वो सबको हम इकट्ठा कर लिए हैं, तो हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम में आ जाएगा कब स्थापना हुआ था, किस राज्य में है, उसका नाम क्या है। तो जितने भी मिश्रित विश्व धरोहर स्थल जो हैं उसके बारे में जान लेते हैं और फिगर के साथ जानेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो फोटो देख रहे हैं ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का फोटो है। ये वर्ष 2016 में इसका स्थापना हुआ, यानी कि अभी सूचना जारी हुआ, और किस राज्य में है तो ये सिक्किम राज्य में है। तो याद रखेंगे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी अधिसूचना 2016 में हुआ, किस राज्य में है तो सिक्किम राज्य में है। उसके बाद जानेंगे हम लोग प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल भी है, जो सबसे पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, इसकी अधिसूचना कब तो 2014 में। तो किस राज्य में है तो हिमाचल प्रदेश में। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 905.4 वर्ग किलोमीटर में, यानी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण केंद्र हिमाचल प्रदेश में है, ये याद रखेंगे। दूसरा हम लोग तीसरा याद रखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो पता है, ये देख रहे हैं फोटो में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसकी अधिसूचना 1985 में हुआ था, किस राज्य में है तो ये पता होगा आसाम राज्य में। ये कितना एरिया में है तो 429.96 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आसाम में है। अगला है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये देख रहे हैं फोटो में जो दिखाई दे रहा है ये है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, इसकी अधिसूचना 1985 में हुआ था, ये राजस्थान में है। इसके कितना एकड़ में है तो 28.73 में, जबकि ये भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में भी बना जो आसाम में है, जबकि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। नेक्स्ट मानस वन जीव अभयारण्य, ये भी 1985 में स्थापना हुआ, ये कहाँ है तो आसाम में है, जबकि काजीरंगा भी आसाम में है। इसका क्षेत्रफल 391 है, ये जो देख रहे हैं ये मानस वन जीव अभयारण्य है ये। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कब अधिसूचना हुआ तो 1988 में, किस राज्य में है ये तो उत्तराखंड में। क्षेत्रफल 630 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 87.50, ये जिसको फूलों की घाटी भी हम लोग कहते हैं नंदा देवी को, तो ये याद रखेंगे हम लोग, सब डायग्राम के साथ भी देखते जाते हैं। उसके बाद है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये तो पता है कहाँ है पश्चिम बंगाल में, कब अधिसूचना 1987 में, इसका क्षेत्रफल 1330.10 है, ठीक है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये है कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में, कब 1987 में। पश्चिमी घाट जानते हैं, पश्चिमी घाट के बारे में ये तो 2012 में अधिसूचना हुआ था, ये कौन से राज्य में, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक तमिलनाडु और केरल, कहाँ महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक, ये सब एक ही जगह है, उसके बाद तमिलनाडु केरल, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक तमिलनाडु, एकदम सब लगातार राष्ट्र है, महाराष्ट्र से शुरू करना और केरला तक आ जाना है, लगातार स्टेट है ये, कौन सा महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक तमिलनाडु और केरल। क्षेत्रफल इतना है 7953.15, यानी क्षेत्रफल तो ज़्यादा ना पूछेगा लेकिन हम लोग को अधिसूचना पूछेगा और किस राज्य में इतना ज़रूर पूछेगा, ये है हम लोग को डायग्राम ये दिया गया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल, हमारे इंडिया में 35 हैं जिसमें से एक है कौन सा, आगरा किला, आगरा किला कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में, कब अधिसूचना तो 1983 में, ये है देख रहे हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं तो महाराष्ट्र में, इसकी अधिसूचना कब तो 1983 में जारी हुआ था, ठीक है अधिसूचना ये है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट चलते हैं नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल कब किस राज्य में है तो बिहार में,
कब अधिसूचना हुआ था? तो 2016 में। तो इसको भी याद रखेंगे, ये है नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल। नेक्स्ट, सांची में बौद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, अधिसूचना 1989 में। आगे है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में। कब अधिसूचना जारी हुआ? 2004 में। ये देख रहे हैं डायग्राम में, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान है। नेक्स्ट, छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनल जो पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल से कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कब अधिसूचना? 2004 में। ये देख रहे हैं ना, ये है छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, गोवा का ये क्या है? चर्च और मठ है। ये देख रहे हैं ना कितना सुंदर बनाया है, ये गोवा के चर्च और मठ है। ये किस राज्य में है? तो गोवा में। कब जारी हुआ अधिसूचना? 1986 में। फिर धौलावीरा के बारे में जानते हैं, किस राज्य में है? गुजरात में। कब अधिसूचना? वर्ष 2021 में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में। कब अधिसूचना? 1987 में। ये है एलिफेंटा की गुफाएं। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं, एलोरा गुफाएं कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। कब अधिसूचना? 1983 में। ये है एलोरा की गुफाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फतेहपुर सिकरी के बारे में, फतेहपुर सिकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये 1986 में, ये देखना है, ये है फतेहपुर सिकरी। आगे है ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, कौन है? ग्रेट लिविंग चोल मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कब अधिसूचना? 1987 में। ये है ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम्पी में स्मारकों का समूह किस राज्य में? कर्नाटक में। अधिसूचना कब? 1986 में। ये है हम्पी के स्मारकों का समूह। फिर कौन सा है महावलीपुरम का स्मारकों का समूह? तमिलनाडु में। ये 1984 में जो बना अधिसूचना इसका जारी हुआ है ना। पड्डेतकल में स्मारकों का समूह, ये भी कर्नाटक 1987 में। राजस्थान के पहाड़ी किले के बारे में, तो ये राजस्थान में होगा 2013 में ये अधिसूचना हुआ। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद जो महाराष्ट्र में है, कब अधिसूचना? 2017 में। ये है देख रहे हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ये अधिसूचना कब? 1993 में। फिर देखिए जयपुर शहर है, जयपुर शहर कहाँ है? राजस्थान में। कब अधिसूचना? 2019 में। ये है। फिर अगला है काकतीय रुद्रेश्वरम मंदिर जो हड़प्पा तेलंगाना 2021 में। ये देख रहे हैं ना। आगे चलेंगे खजुराहो स्मारक समूह, तो खजुराहो स्मारक समूह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अधिसूचना 1986 में। फिर यहाँ देखिए बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर है जो बिहार में है, 2002 में इसकी अधिसूचना जारी हुआ। फिर यहाँ देखिए है ना मोयुद्दीसम अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली जो असम में है, अधिसूचना 2024 में। तो ये एग्जाम में पूछेगा क्योंकि लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट पूछ सकता है, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ देगा, लेकिन याद रखें कि असम में जो मिला है वह क्या है? मोइदम्स अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली। ये है इस तरह से। भारत के पर्वतीय रेलवे देख लेते हैं, सबसे पहला दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे, ये देख रहे हैं सब पर्वतीय रेलवे है जो पश्चिम बंगाल में, अधिसूचना 1999 में। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, ये 2005 में तमिलनाडु। कालका शिमला पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश 2008 में। ऐसे याद रखेंगे कुछ कुछ। कुतुब मीनार और उसके अन्य स्मारक, कुतुब मीनार पता है दिल्ली में, ये 1993 में, ठीक है, अधिसूचना जारी हुआ। रानी की राव देख रहे हैं ना, रानी की राव यानी कि रानी की बावड़ी जो पाटन है गुजरात में है, अधिसूचना 2014 में। लाल किला पता है दिल्ली में ही है, ये अधिसूचना 2007 में इसकी अधिसूचना हुआ था, जारी हुआ था। फिर भीमबेटका के शौलाश्रय मध्य प्रदेश, अधिसूचना 2003 में। फिर देखिए होयसल के पवित्र समूह कर्नाटक 2023, ऐसी याद रखेंगे होयसल के पवित्र समूह राज्य कर्नाटक, अधिसूचना 2023। शांति निकेतन कहाँ? पश्चिम बंगाल, अधिसूचना 2023। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा 1984, ठीक है। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश 1983।
ली कार्बुजियर का वास्तुकार्य चंडीगढ़ 2016, इसी याद रख लेंगे। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान, अधिसूचना 2010। विक्टोरिया गोथिक अवार्ड डेकोड इनसे ओवल्स मुंबई में है, जो महाराष्ट्र 2018 में, अधिसूचना। तो ये हम लोग देख लिए कि भारत के प्रमुख जो स्थल थे उसके बारे में, भारत में जो विश्व धरोहर स्थल हैं ये एग्ज़ाम में पूछ न दे। तो हम लोग देख लिए, याद कर लिए, कुछ मिश्रित विश्व धरोहर स्थल था, एक है, फिर 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के बारे में जान लिए कि कौन कौन है, फिर हम लोग देख लिए 35 सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल है। तो ये हम लोग जान लिए, 35 और 7 हो गया 42, 41 टोटल। 2-3 बार हम लोग इसको जब रिपीट करेंगे तो याद रह जाएगा, आधा तो याद होगा ही हम लोग। चलिए इसमें इतना ही।